का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक पथौरिया। रोकर चल खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ को जल्द ही 7 नए जिलों की सौगात मिल सकती है। नए जिलों के गठन के लिए भूपेश सरकार की कवायद तेज हो गई है। बस्तर संभाग को छोड़कर बाकी सभी संभागों में प्रशासनिक दृष्टिकोण से पिछड़े इलाकों को जिले के रूप में पहचान दी जाएगी। राज्य शासन ने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा के संभाग आयुक्तों को पत्र लिखकर नए जिलों के गठन में संबंधित सभी जानकारियां भेजने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि संभाग की ओर से विधिवत प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन को भेजा जाए और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से लिखे गए पत्र में गोरेला पेंड्रा और फिरमेरी, मनेन्द्रगढ़, प्रतापपुर, औवादाफनगर, पत्थलगांव, भाटापारा, संकरा और बंजारी नाला और साथ ही साथ अंबागढ़ चौकी को पृथक जिला बनाए जाने के प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने संभाग आयुक्त को भेजे गए पत्र में कहा है कि राजस्व प्रशासन को सशक्त बनाने और आम जनता को त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिलासपुर जिले से गोरिल्ला पेंड्रा, कोरिया जिले से मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और जशपुर जिले से पत्थरगांव, बलौदाबाजार जिले से भाटापारा और महासमुंद जिले से फूलझर अंचल और राजनांदगांव जिले से अंबागढ़ चौकी को पृथक कर जिला बनाए जाने की दिशा में कार्रवाई विचाराधीन है और साथ ही साथ लिहाजा नए जिलों के गठन संबंधी सभी जानकारियां जल्द भेजी जाएं। इसके अलावा संभाग आयुक्त से यह भी कहा गया है कि नया जिला बनाए जाने का औचित्य अभिमत के साथ दिया जाए। छत्तीसगढ़ में अभी 27 जिले हैं। साल 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर बनाए गए छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 16 थी। राज्य गठन के बाद 11 मई 2007 को बस्तर संभाग में नारायणपुर और बीजापुर जिला बन गया। 1 जनवरी 2012 को तत्कालीन बीजेपी सरकार ने बलौदा, मुंगेली और बेमथुरा, बलौदाबाजार, गरियाबंद, कोंडागांव, सुकमा, बलरामपुर और सूरजपुर को भी जिला बनाया था। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए आशीष तिवारी लाइव। आशीष, जिस तरह से छत्तीसगढ़ को 7 नए जिलों की सौगात मिलने वाली है, इससे वहां के जो जिले जो हैं वो अगर बढ़ जाएंगे तो इससे क्या कुछ फायदा वहां के लोगों को होने वाला है? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार पहले से चर्चा चल रही थी कि नए जिलों का गठन कर सकती है, लेकिन अब जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आई है, ये अपने आप में एक बड़ी खबर इस वक्त हम स्वराज एक्सप्रेस पर दिखा रहे हैं। पहले चर्चा थी कि सरकार 4 नए जिलों का गठन कर सकती है, लेकिन अब जब ये जो कागज हाथ में आया है, जो परिपत्र है राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी संभाग आयुक्तों को भेजा गया है, ये इस बात की तस्दीक करती है कि भूपेश सरकार 7 जिलों के गठन की प्रक्रिया पर काम कर रही है। यानी छत्तीसगढ़ में 7 नए जिले भूपेश सरकार बना सकती है। और जो सवाल आपने पूछा, निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो दूरस्थ अंचल हैं जहां पर राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचा पाना काफी चुनौती भरा होता है, अब जब ये जिले बन जाएंगे तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से एडमिनिस्ट्रेशन का विकेंद्रीकरण होगा और वहां पर नए तरीके से डेवलपमेंट की गुंजाइश बढ़ेगी। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है सरकार का, सरकार की प्रायोरिटी होती है डेवलपमेंट। और अब जब नए जिलों के गठन की प्रक्रिया यहां पर चल रही है तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि भूपेश सरकार ने सत्ता में आने के पहले जो वादे किए थे वो वादे अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकेंगे। हालांकि लंबी प्रक्रिया है ये, महज प्रक्रिया की एक शुरुआत है। 7 जिलों के गठन की प्रक्रिया और जिलों के गठन के बाद के हालात क्या बनेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविकांत कौशिक है, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। भूपेश सरकार 7 जिलों के गठन की प्रक्रिया पर काम कर रही है, हालात कितने बदल सकते हैं? देखिए, जिले सत्ता का विकेंद्रीकरण का लाभ जनता को मिलता भी है, परंतु मैं आज जो छत्तीसगढ़ की भौगोलिक दृष्टि है और भौगोलिक जो संरचना है उसके हिसाब से अब जो है जिला बनाने की गुंजाइश, मेरे ख्याल से मैं अर्थ के हिसाब से भी और दृष्टि से भी देखता हूं तो आवश्यकता नहीं है। परंतु सरकार का अपना विवेक है, वो क्या सोच करके किस प्रकार से कर रही हो, क्योंकि सरकार में बैठे हुए जनप्रतिनिधियों को दूसरी चीज भी सोचनी पड़ती है। पॉलिटिकल नॉलेज का भी सवाल रहता है, वोट बैंक पॉलिटिक्स का भी सवाल रहता है, परंतु अभी जीतने, परंतु मैं ये भी कहूंगा कि इतने सारे जिले हो गए हैं अभी, पर इतने जिलों में भी आप ये देख लीजिए कि रेशो डिवाइड में अगर देखो
तो 10 कलेक्टर ए कैटेगरी के, 10 कलेक्टर बी कैटेगरी के, 7 कलेक्टर सी कैटेगरी के काम कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में एडमिनिस्ट्रेटिव डिलीवरी सिस्टम, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो अपने आप में पहचाने जाने लायक थी क्या। इसी मैं छत्तीसगढ़ राज्य में अंग्रेजों के जमाने में जो हुआ करता था या आजादी के बाद जो हमारी जो स्थिति थी, सिर्फ 6 जिले थे, 6 जिले से 1972-71-72 के समय में 7 जिले हुए, उसके बाद 80 और 90 के दशक में आने के बाद ये 16 जिले हुए, और उसके बाद राज्य गठन के बाद 9 जिले और बढ़ गए। 27 जिला भी जब बनाया जा रहा था तब राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व में बना तो किया गया, परंतु इतने जिले की आवश्यकता नहीं थी, जो 1 जिले थे उसमें आपने 4-4 जिले कर दिए। तो अब जब इतना जब हो गया, उसके बाद मैं समझता हूँ कि मतलब बेहतर की चुनौतियाँ होंगी यहाँ पर, चुनौती बहुत है, और मैं ये समझता हूँ कि स्थापना व्यय भी इससे बढ़ेगा। एक तरफ अधिकारियों की कमी की बात है, तो इससे ज्यादा जरूरी होगा कि सरकार आईपीएस आईएफएस और आईएएस की जो संख्या जो कम है उसको पहला पूरा करे, और उसके बाद जरा देखें है ना, जब इतने में अगर कसावट अगर नहीं है, बहुत सारी चीजें डेवलप हो गई है, उसके बाद भी जो पदस्थ होने वाले अधिकारी हैं उनका नियत भी होना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट पर फोकस करें, फोकस करें एस्टेब्लिशमेंट पर, ये महत्वपूर्ण पहलू होगा। लेकिन यहाँ पर सरकार जरूर एक कवायद करती जरूर नजर आ रही है, लेकिन आपको पहले बता दें कि वो जिले कौन से हो सकते हैं जहाँ पर सरकार ने स्थानीय संभाग के आयुक्त को निर्देशित किया है कि एक विधिवत प्रस्ताव तैयार किया जाए। लंबे समय से मांग चल रही थी कि बिलासपुर के गौरेला पेंड्रा को जिला बना दिया जाए, और सरकार गठन के बाद का जिक्र करें तो अजीत जोगी के परिवार ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब पहली मर्तबा मुलाकात की थी तब भी इस मांग को उन्होंने रखा था। गौरेला पेंड्रा एक प्रस्तावित जिला है, इसके अलावा चिरमिरी मनेन्द्रगढ़ प्रस्तावित जिला है, प्रतापपुर वड्रफ नगर पत्थलगांव फुलझर अंचल और बलौदाबाजार भाटापारा से भाटापारा को स्वतंत्र जिला बनाने का प्रस्ताव सरकार ने तैयार किया है, और राजनांदगांव जिले से खुज्जी मोहला मानपुर को मिलाकर एक अंबागढ़ चौकी एक नए जिलों को बनाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि नक्सल अफेक्टेड है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से काफी दूर है, और ये तमाम इलाके ऐसे हैं जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूर है, और सरकार चाहती है कि इन इलाकों पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच हो, और यही वजह है कि सरकार ने नए जिले के गठन की प्रक्रिया तेज की है। हालांकि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, कलेक्टर अपनी रिपोर्ट संभाग आयुक्त को भेजेंगे, तमाम पहलुओं पर जो जानकारी इस पत्र परिपत्र में मांगी गई है, और संभाग आयुक्त की तरफ से ये तमाम जानकारियां और विधिवत प्रस्ताव सरकार तक पहुंचेगी, और सरकार की अपनी प्रक्रिया है। जो जिलों को हम यहाँ पर देख रहे हैं कितने महत्वपूर्ण है भौगोलिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर? राजनीतिक तौर पर जरूर महत्वपूर्ण है, भौगोलिक दृष्टि से, जनसंख्या के हिसाब से, बाकी चीजों के दृष्टि से दिख तो रहा है, परंतु फिर भी मैं इन चीजों को कहूंगा कि अभी भी राज्य में आज की स्थिति में हमारी जो सोच है उसके मुताबिक ये इतने जिले पर्याप्त हैं, और जिला जो बनाने की जो कवायद है उस पर सरकार को काफी सारी चीजों को सोच समझ के करनी पड़ेगी, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि जितने जिले हैं काफी पर्याप्त है, और आगे बनाने के पीछे जो सोची जा रही है इसमें दूरदृष्टि, पक्का इरादा और अनुशासन और बाकी सारी चीजों को सोच के करना चाहिए, क्योंकि ये बनाने के साथ साथ मैं बता देता हूं कि आपकी इसमें राज्य में एक स्थापना व्यय बहुत बढ़ेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि सरकार का स्थापना व्यय बढ़ जाएगा। यदि सरकार जिले के गठन की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है तो जिले के मिनिमम सेटअप पर सरकार को काम करना होगा, और मिनिमम सेटअप पर सरकार काम करेगी तो वहां पर काम करने वाले अधिकारी, वहां के जो रूटीन बेसिस पर चलने वाले जो एडमिनिस्ट्रेशन के खर्च हैं वो, इन तमाम चीजों को भी सरकार इनके पैमानों को जांचेगी परखेगी। और जैसे कि छत्तीसगढ़ सरकार ने चुनाव के पहले बड़े वादे किए हैं, पहले ही सरकार अर्थसंकट से जूझ रही है, सरकार को फंड मैनेज करने की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है, तो ऐसे में इन 7 जिलों के गठन की प्रक्रिया को लेकर सरकार ने जो कदम आगे बढ़ाए हैं, ये प्रक्रिया कब कहां पर और कब जाकर खत्म होगी ये फिलहाल आज कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कागज पर ही आ चुका है, सरकार के दस्तावेजों में ये 7 जिलों के गठन की प्रक्रिया निश्चित तौर पर शुरू हो चुकी है। बिल्कुल आशीष, यहाँ बीजेपी का पक्ष क्या है इसे लेकर, 7 जिलों का एक जिस तरह से सर ने बोला अभी कि
एक तरह से देखा जाए कि राजनीतिक रूप से तो बड़ा फायदेमंद है राजनीतिक रूप से, लेकिन भौगोलिक रूप से अगर देखें तो नहीं है। इसमें कई परेशानियां और कई समस्याएं भी आएगी, जैसे कि आई और आईपीएस और आईपीएस अधिकारियों की कमी एक बड़ा कारण उन्होंने बताया। तो ऐसे में बीजेपी को इस पक्ष को लेकर, इस बात को लेकर, इस मसले को लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए फिलहाल फौरी तौर पर कोई रिएक्शन अभी पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से नहीं आया, ना बीजेपी से ना जेसीसी से, और इसके क्या पॉलिटिकल एस्पेक्ट आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं, क्या लगता है आपको कि राजनीतिक तौर पर किस तरीके के विरोध की स्थिति से सरकार को गुजरना पड़ सकता है? नहीं, राजनीतिक तौर पर तो हर क्षेत्र का विधायक, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इसका विरोध करेंगे और समर्थन भी करेंगे, और लोग इसके साथ में जब शुरुआत होगी तो एक नई शुरुआत और आएगी कि फिर बोलेगा कोई मेरी गली को भी और जिला का कोई हेडक्वार्टर बना दो। अभी मैं कहता हूं कि जिस सरकार को भी ये सोचना चाहिए और सरकार की योजना विभाग को भी सोचना चाहिए, सामान्य प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि बनाना है इसलिए कुछ भी बना दो, ये नहीं होना चाहिए। एक बड़ी चीज मैं ये कहूंगा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होने का जो चीज हमारे सामने जो आया, उसके साथ में दूसरी चीज भी आई कि सत्ता के विकेंद्रीकरण के साथ साथ में सत्ता के अंदर जो आने वाली जो बीमारियां हैं वो भी इस राज्य में हमको देखने को मिली। 27 जिले हो गए, 27 जिले में कितने कलेक्टर और कितने एसपी और कितने डीएफओ के परफॉर्मेंस बहुत अच्छे हैं, और उसकी दूसरी कहानी जो नकारात्मक जो आती है, नकारात्मक ज्यादा है सकारात्मक कम है। तो फिर जब नकारात्मक ज्यादा है और सकारात्मक कम है तो ऐसी स्थिति में सरकार को सोचना चाहिए कि और जब जिले बनाएंगे तो वो भी और नकारात्मकता और सकारात्मकता के पैमाने पर क्या होगा। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ऐसे पर सरकार को विचार करना चाहिए। राजनीतिक संपादक रूपेश जी है, रूपेश जी नगरीय निकाय चुनाव भी सर पर है और जिस तरीके से यहाँ पर 7 नए जिलों के गठन की प्रक्रिया पर सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं, भले ही गठन में लंबा वक्त लगे लेकिन लगता है कि इसके राजनीतिक मायने निहितार्थ होंगे निकाय चुनाव के संदर्भ में। देखिए कोशिश यही है, अगर सरकार अभी ये ला रही है प्रस्ताव तो इसका मतलब ये है कि अभी सरकार को, हालांकि कुछ जरूर जिले हैं जिसकी डिमांड लंबे समय से रही है और जिसकी जरूरत है, जैसे पेंडा रोड एक आइसोलेटेड इलाका है, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन 100 किलोमीटर दूर है, जहां पे जनजाति और गरीब तबके लोग ज्यादा रहते हैं वहां से जरूरी है। चिमरी और मनेन्द्रगढ़ डेंस इलाका है, लेकिन प्रतापपुर और वाडफ नगर को जिला बना करके क्या मैसेज देना चाहते हैं, जब आपके पास ऑलरेडी रामानुजगंज जिला है, आपके पास प्रतापपुर से 50-30 किलोमीटर दूर पे आपके पास सूरजपुर जिला है, तो सूरजपुर में बच क्या रहा है? फिर अंबिकापुर का एक हिस्सा जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही है कि अंबिकापुर का रेलवे स्टेशन खुद उसके जिले में नहीं है, जो सिलफिली है वो अंबिकापुर से सटा हुआ है लेकिन सूरजपुर में, तो सरकार को कोशिश ये करनी थी कि जो विसंगतियां हैं उसको दूर किया जाए, बजाय इसके कि बिल्कुल डिमांड पर हर जिले बनाए जाएं। ये नए जिले बनाने की जरूरत है जहां पे बिल्कुल जो आइसोलेशन में है, जहां पे पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो पूरा एक डेमोग्राफी उसका, उसकी जो आइडेंटिटी है दूसरी जगह से बिल्कुल अलग है, वहां पे जिला बनाए, बेशक बनाए, लेकिन हर जगह पे हर डिमांड पे आप जिला बनाएंगे तो क्या होगा? जैसे पत्थलगांव समझ में आता है, लेकिन पत्थलगांव के साथ आप क्या क्या देंगे? जिनकी आबादी 20,000 है आपने उनको जिला बना दिया है, जो एक्सपेंडिचर होगा एस्टेब्लिशमेंट पे उसकी वो तो हमारा ही टैक्स से कटेगा, तो फिर वो पैसे आएंगे कहां से? आप एक कलेक्टर, दो कलेक्टर, चार कलेक्टर, क्या उससे डेवलपमेंट होता है? अगर डेवलपमेंट हो गया होता तो बैकुंठपुर जिला जो कोरिया जिला जो 1990 के दशक में दिग्विजय सिंह ने बनाया था वो आज बहुत डेवलप होता, उसके पास ह्यूमन रिसोर्स था, उसके पास मिनरल रिसोर्स था, उसके पास एक नेचुरल रिसोर्स था, पूरा जंगल का इलाका, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो पाया। क्या सरकार की मंशा केवल पॉलिटिकल बेनिफिट? इसी बात को मैं कहूंगा कि जगदलपुर कभी एक जिला हुआ करता था, पूरा बस्तर कभी एक जिला हुआ करता था, आज 7 जिले हो गए। आज 7 जिला हो जाने के बाद कई विसंगतियां, मतलब मेन अगर देखा जाए एजुकेशन, पुलिसिंग, हेल्थ, पेयजल को लेकर के क्या है सर्विसेज उनकी, क्या है सर्विसेज, है ना? ये बात अलग है कि सरकार जो अभी नए जिले बनाने की प्रस्ताव जो रखी है, जिस पर विचार कर रही है, वो 4 संभाग में है, बस्तर को छोड़ दिया है उन्होंने, परंतु कभी राजनांदगांव जिला 1970 के पहले सिर्फ दुर्ग के अंतर्गत था, उसके बाद वो राजनांदगांव जिला उधर बन गया, अलग हो गया, राजनांदगांव जिला अलग हो गया, उसके बाद ठीक ठाक चल रहा था, अब राजनांदगांव जिला अलग हो गया, उसके बाद एक तरफ हर 40 किलोमीटर में तो जिला मुख्यालय है, 70 किलोमीटर में जिला मुख्यालय है, उसके बाद भी और क्या जरूरत है? मैं तो ये कहूंगा कि इस प्रस्ताव पर राजनीतिक दृष्टि से माइलेज लेने के लिए कोई चीज अगर हो रही है
तो वो अपने वो सोचे, परंतु उसका बजटीय भार और उसके साथ में जो विसंगतियां जो दूसरी जो नकारात्मक जो ज्यादा आ रही है ना, वो क्या होगा और सकारात्मक क्या होगा, इसको भी सारे राजनीतिक दल सोचे और उसके दुर्गामी परिणाम को ध्यान में रख करके जिला बनाए। और इतने जिले बनाने का मैं तो समझता हूं कि आज के अगर स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेटर अगर हूं और ढंग के, मतलब 27 में मैंने बता दिया कि 10 कलेक्टर ही ए कैटेगरी के हैं, अगर कलेक्टर के स्तर पर अगर ए कैटेगरी के 27 अगर नहीं है तो फिर कैसा प्रशासन होगा, या कैसा प्रशासन होगा, ये तमाम सवाल है। लेकिन जरूर सरकार ने छत्तीसगढ़ में 7 और नए जिले के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, कदम आगे बढ़ा दिए हैं। हालांकि जिस तरीके से हमने पहले कहा कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एक दिन में, एक महीने में या एक साल में जिले के गठन की प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन जरूर जिस तरीके से जो राजकुमारी यहाँ पर हुई है, जो फैक्ट्स निकल कर सामने आए हैं, निश्चित तौर पर सरकार उन तमाम पहलुओं पर विचार करेगी, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। बिल्कुल सही कहा, आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर इससे क्या फायदे होने वाले हैं और सरकार क्या कुछ फैसले इस मुद्दे पर और ले सकती है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आशीष, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।